दो होना चाहिए था। आई होप एवरीवन इज सेफ हेल्दी एंड डूइंग वेल इन देयर लाइफ। सो अभी मैं हूँ धारचूला पे। धारचूला में होटल का नाम है हिमटॉप, जहाँ कल रात हम रुके थे। और आज का हमारा प्लान है दारमा वैली जाने का। आज हम दारमा वैली बेस कैंप तक जाएंगे, फिर कल हम वहाँ से जीरो पॉइंट जाने की सोच रहे हैं। तो जहाँ पे हम खड़े हैं आपको यहाँ पे रिवर दिखाई देगी, एंड रिवर के उस पार है नेपाल। और अभी हम खड़े हैं इंडिया धारचूला में। नेपाल वाली साइड को बोलते हैं धारचूला। तो अभी हम यहाँ से सबसे पहले धारचूला मार्केट में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम अपनी बुलेट और अपनी KTM से जाने वाले हैं दारमा वैली। ये हमारी दो दिन की ट्रिप रहेगी, जिसमें कि हम मैक्सिमम ग्लेशियर तक जाने की कोशिश करेंगे एंड पूरा एंजॉय करेंगे। बस अभी दो आलू के पराठे खाएंगे आलू की सब्जी के साथ। दो पराठों की बैटरी तो अभी लंच तक चलेगी, उसके बाद लंच टाइम बताओ ना। लंच टाइम अभी 10 बज रहा है, फिर हम 2 बजे वहाँ पहुँच के 4 घंटे तक आप इसी में रहोगे। 4 घंटे इसी में पीछे बाइक के। बसे पोखरी नानी मा हो राशि अंसल फूली जस्ती नानी तुम चंचल। बासा नाम है मेरा, असली नाम मनोज वर्मा है। बासा लोग प्यार से बोलते हैं मुझे। मैंने खाली पाइप से बना रखा, मेरा दिल करता है कि मैं गाऊं कुछ। भुलभटी शराब न पियूं खिमली जा, भुलभटी शराब न पियूं खिमली जा, हाथ पकड़ पकड़ पे मैं घरे ली जा। मजा आ गया नहीं? क्या है कम से कम सब ठीक ठाक है, लेकिन बीच में बाढ़ ले गया तो थोड़ा दुर्दशा हो गई, लेकिन आजकल अब फिर भी ठीक ठाक है, पुराना जैसा ही हो गया। चावल अगर दोबारा मांगने लगे। अभी हम यहाँ पर लंच करने के लिए रुके हुए हैं कंजोति में, और यहाँ से कम से कम अभी 35 किलोमीटर और बचे हैं। अराउंड 10 या 10:30 बजे हम धारचूला से निकले, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बाइक का टायर एक पंचर हो गया, तो फिर हमें वहाँ से वापस जाना पड़ा। तो इसकी वजह से एक घंटे और लेट हो गए, और अराउंड 12 बजे हम वहाँ से निकले और 1 बजे हम पहुँचे कंजोति। तो हम काफ़ी सही स्पीड में चल रहे हैं। पहले यहाँ पर गाँव हुआ करता था, जब यहाँ डिज़ास्टर आया उसके बाद से यहाँ पूरा गाँव उड़ चुका था, और अभी सिर्फ यहाँ 3-4 मकान हैं जो कि बस दुकानें हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। वो कंजोति से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाते हैं चौदास वैली की तरफ जहाँ से आप नारायण आश्रम सोसा पांगू सिरका इस तरफ जा सकते हैं, और जो सीधे सीधे स्ट्रेट जाते हैं वो दारमा वैली की तरफ जाते हैं। तो अभी तक जो रोड की हालत थी वो ख़राब थी, और आगे का रास्ता और भी इससे ज़्यादा ख़राब है। सो आई होप हम सही सलामत पहुँच जाए। जब भी आप धारचूला से निकलो, एक दिन पहले अपनी बाइक चेक करा लो, अगर गाड़ी जिसमें भी आ रहे हो फुली टायर एंड फ्यूल सब कुछ चेक करा लो, ताकि आपको हमारी तरफ प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
घाटी बाबा पहुंचने वाले बाबा। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंचे हैं कुर्थिंग, जो कि धर्मा बेस कैंप से 22 किलोमीटर पहले है। जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो यहाँ स्टे करके अगले दिन पंचाचली बेस कैंप जा सकते हैं, वहाँ से जीरो पॉइंट घूम के उसके बाद आराम से आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड कर चुके हैं तो सबकी हालत अभी ख़राब है, तो चाय ब्रेक तो बनता ही था अभी, और ऐसी ठंडी में तो बिल्कुल चाहिए ही रहते हैं चाय। अभी चल रहे हैं आज बालिंग जाने की सोच रहे हैं, बालिंग अराउंड 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं, सो निकलते हैं फिर बाकी। नागलिंग ब्रो, स्नोफॉल हुई है वहाँ पे फ्रेश, और ठंडा काफ़ी होने लगा है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर अभी हमें और जाना है, और वहाँ पे मिलेगा बहुत सारा स्नोफॉल। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए और फाइनली हम पहुंच गए अभी बालिंग। अभी शाम हो गई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे, बट जो अभी प्लेन्स में अभी वहाँ का मौसम तो काफ़ी अभी गर्म है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी देखो पैक डैम ऑलमोस्ट, तो काफ़ी अच्छा व्यू है, स्नो गिरी हुई है साइड में। हम पहुँच चुके हैं आज बालिंग, जो कि हमारा आज का माइलस्टोन था कि आज यहाँ रुकेंगे और कल पंचाचली बेस कैंप जाएंगे और वहाँ से जीरो पॉइंट जाएंगे। 5 घंटे के अराउंड लगा हमें टाइम, और बालिंग विलेज में अभी हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे इग्लू कैंप है जो कि KMBN का है, तो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो ठंड सच में है काफ़ी यहाँ। शाम को तो काफ़ी ठंडे दिन में फिर भी थोड़ा सा धूप रहती है तो ठीक रहता है। गाँव में अभी कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी माइग्रेशन टाइम चल रहा है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ गाँव वाले यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे। अभी गाँव पूरा सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बालिंग से बेस कैंप अराउंड 4 किलोमीटर है, जो कि बाइक से जाना है, उसके बाद हमें ट्रैक करना होगा, पैदल चलना होगा, और पैदल भी अराउंड 4-5 किलोमीटर है, तो उसके बाद हम पहुँचेंगे 0 पॉइंट। और फैसिलिटी अच्छी है अभी तक तो, बढ़िया है, लाइट भी है यहाँ पे, तो आज रात हम अपने मोबाइल फ़ोन एंड गैजेट चार्ज करेंगे और कल आपको दिखाएंगे पंचाचली का व्यू।